विमेंस कॉलेज के इंटर के छात्रों की शिक्षा हुई बंद, विरोध में प्राचार्य कक्ष का किया घेराव। जमशेदपुर के विमेंस कॉलेज को अब विश्वविद्यालय का तगमा मिल चुका है और इससे यहां इंटर की शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्राओं को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जहां इनकी शिक्षा बंद हो गई है। छात्राओं ने इसके विरोध में मंगलवार को प्राचार्य कक्ष का घेराव किया। छात्राओं ने कहा कि इस कॉलेज को लगभग 3 वर्ष पहले ही विश्वविद्यालय का तगमा मिल चुका था और नियम के तहत विश्वविद्यालय में इंटर की पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन बावजूद इसके छात्रों का नामांकन इंटर के लिए लिया गया, लेकिन प्लस वन की पढ़ाई पूरी होने के बाद अब प्लस टू का नामांकन नहीं लिया जा रहा है और प्लस वन का प्रैक्टिकल परीक्षा को भी रोक कर रखा गया है। प्राचार्य का घेराव कर छात्राओं ने अपने भविष्य की चिंता करते हुए अपने पढ़ाई को पूर्ण करवाए जाने की मांग की। जमशेदपुर से जगजीत सिंह की रिपोर्ट। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। जो ऐसा पूरी नहीं हो रही कॉलेज के साथ। लोग का मांग है कि हम तो 12th से क्लास स्टार्ट हुआ है और 11th का भी एडमिशन रोक दिया गया है। टीचर क्या बोल रही है, बताओ। क्लास स्टार्ट हो और इतना जितना सारे सिलेबस है सब पूरा हो, हम लोग 12th का एग्जाम हो बस, और जो 11th क्लास का प्रैक्टिकल रुका हुआ वो भी हो, उसमें हम लोग का मार्क्स भी मिले। जो मैम है कुछ बोल नहीं रही, हम लोग कुछ तो पता है, कुछ तो नोटिस दे कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, बिना नोटिस के सब कुछ छाप रही है। हमारी मांग है कि हमारी क्लास जारी रहे, हमें इसे ना दिया जाए, मतलब कॉलेज से ना निकाल के हमारी क्लास क्यों बंद हो रही है, नहीं होनी चाहिए। हम लोग अभी हमारे बैच को कंप्लीट कराना चाहिए ना, भले न्यू बैच जो आ रहा है उसको ना कराए, सिलेबस कितना कितना नहीं है सब बताना चाहिए। एग्जाम जो होगा इतना लेट।